जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा में पिछले 24 घंटों से सुरक्षा बल आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे, अब मुठभेड़ खत्म हो गया है। इस कार्रवाई में जवानों ने आज एक और आतंकी को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में कुल 3 आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी का गौरक्षकों पर असर नहीं दिख रहा है। असम के सोनपुर में ट्रक से गाय ले जा रहे एक शख्स को बेरहमी से भीड़ ने पीट डाला। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका। दीव नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने जीती 13 में से 10 सीटें। टूटा 14 साल पुराना सत्ता में आने का सपना। रवि शास्त्री ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच पद के लिए आज औपचारिक तौर पर आवेदन किया। इसके बाद वह इस प्रतिष्ठित पद की दौड़ में सबसे आगे निकल गए। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि शास्त्री ने 9 जुलाई की समय सीमा से पूर्व अपना आवेदन सौंप दिया है। अभिनेता संजय दत्त को समय से पहले रिहा किए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट फाइल करने का स्पष्टीकरण मांगा है।